सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मटर मशरूम की सब्जी बनाने जा रही हूँ, एकदम यूनिक तरीके से और बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 250 ग्राम मशरूम ले रही हूँ, उसको अच्छे से मैंने धो लिया था और बड़े बड़े मशरूम है इसलिए मैं इसके दो टुकड़े कर रही हूँ। दो टुकड़े कर लिए सारे मशरूम को। फिर यहाँ पे बटर ले रही हूँ एक स्पून, इसकी जगह आप घी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डाल दे रही हूँ और एक मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर हमें भूनना है। कलर भी चेंज हो गया है, उसके बाद मैंने निकाल लिया है। उसके बाद दो प्याज, दो टमाटर, अदरक एक और हरी मिर्ची दो, और यहाँ पे लहसुन वाला पत्ता ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप दूसरा लहसुन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मटर ले रही हूँ 1/2 कप, उसको भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं और एक स्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला है। उसके बाद 2 मिनट उबाल आने के बाद मैं गैस ऑफ कर दिया है, देखिए उबल गया है। उसके बाद अच्छे से छान लेंगे। पानी अलग हो गया है। अब यहाँ पे मैं टमाटर को सबसे पहले छीलूँगी। टमाटर मैंने छील लिया है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन का पत्ता डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ जो मैंने बॉयल किया था वो सब डाल रही हूँ इसके अंदर, हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर। और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाला था साबुत वाला, वो भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद पीस लेंगे, ठंडा होगा तभी पीसना है वरना नहीं। और उसके बाद देखिए इस तरह से पेस्ट बन गया है। उसके बाद उसी कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 2 स्पून तेल डाल रही हूँ, 1 तेज़पत्ता, 1 सूखी खड़ी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद इसको मैंने पीसा था उसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से हमें भूनना है। जब तक कि अच्छे से भून जाएगा तब इसके अंदर हमें मसाला डालना है। देखिए अच्छे से भून गया है, तो अब इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून और यहाँ पे 1 स्पून धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से भून सके। कम से कम इसे 2 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जो मैंने मटर उबाला था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से हमारा मसाला पक गया है, तो जो मशरूम है उसको डाल देंगे। भुना था तो वो पानी छोड़ दिया है, तो वैसे ही हमें डालना है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक फिर हमें भूनना है लो फ्लेम पे। जब अच्छे से भून जाएगा तब इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं और ज़्यादा ग्रेवी बनाना पसंद करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देना है। जो मैंने लहसुन का पत्ता डाला है उससे एक अलग ही टेस्ट आता है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन के तैयार होती है। तो देखिए हमारी सब्जी बन के पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब गैस ऑफ करेंगे और इसके अंदर हमें खूब सारा हरा धनिया डालना है। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। आप इसको रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जब मज़ेदार सब्जी बनी है। आप लोगों को मटर मशरूम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।